हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लैब्राडोर तो एक से एक देखे होंगे। आज देखिए एक खूबसूरत पपी लैब्राडोर, और आप इस पपी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इस पपी को कुछ भी कहना इसकी इंसल्ट होगी। आप खुद समझिए इस पपी के बारे में कि ये पपी कैसा है, कैसा बनेगा, इसका फ्यूचर क्या है, एंड हर चीज़ में साइड व्यू आप देख सकते हैं, पपी भी देख सकते हैं, और ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। एंड ये हमारा हल्का पप्पी है जो हमारा न्यू डॉग है, एंड न्यू डॉग जो हमारा दोस्तों उसका जो कलर है वो सेम टू सेम ऐसे ही है, एंड जो प्रोड्यूसिंग है वो बिल्कुल ही मिल्की वाइट है। अभी आपको और दिखाने वाला हूँ, अभी आप लीटर वर्क हमारे पास, हम आपको और दिखाने वाले ऐसे बच्चे इन फ्यूचर प्रोड्यूस करने वाले, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये बच्चा कैसा है आप कमेंट कीजिए, और हम लगे पड़े हैं आप लोगों के लिए एक से एक पप्पीज प्रोड्यूस करना, और इसे हम देख सकते हैं। सो दोस्तों, जो लैब्राडोर ब्रीड है ये बहुत ही बेस्ट फैमिली डॉग है। सो अगर आप कोई बंदा प्लान कर रहा है कि फर्स्ट टाइम ओनर है, या फिर अपने घर के बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए अगर प्लान कर रहा है, तो आराम से वो ले सकता है। इसमें इसको ट्रेन करना बहुत आसान है, इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत आसान है, ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बहुत वर्ल्ड के टॉप 10 स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है, तो इसको वो भी जरूरत ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग या फिर बेसिक ट्रेनिंग कमांड्स बहुत जल्दी क्विक लर्न कर सकता है ये, एंड नो डाउट बहुत और बहुत कम बीमार पड़ता है। जैसे कि मेरे पास काफ़ी लैब्राडोर है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मैं कह सकता हूँ कि 20 सुपर लैब्राडोर मेरे पास है, और ये बीमार बहुत कम पड़ते हैं, रफ एंड टफ बहुत ज़्यादा है। तभी जो आप देखा होगा मैं जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, लैब्राडोर क्यों ब्रीड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रफ एंड टफ ब्रीड है, केयर मेंटेनेंस ना के बराबर चाहिए, और मतलब बीमार बहुत कम ज़्यादा पड़ते हैं। फूडी मतलब खाने में तो कई ब्रीड नखरेली ब्रीड है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ, मैं हस्की रखा था मैंने, उसको हाथ से निकाला खाना पड़ता था, बट इसको भाई जो मर्जी रच के खाता है। तो जब बच्चा डॉग खा रहा होता है तो हम एक जो ओनर होता है बिल्कुल खुश होते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा है, अगर हमारा बच्चा खाएगा तो हम खुश हैं, अगर सपोज ये नहीं खा रहा है तो हमें टेंशन हो जाता है। तो ऐसा टेंशन, और अगर हम टेंशन होगा फिर टेंशन लेके अपना ऑफिस भी जाएंगे तो स्ट्रेस, अगर बिजनेस में जाएंगे तो स्ट्रेस, तो ये सारी कई चीज़ें हमें देखना पड़ता है हम लोगों को अगर हम प्लान कर रहे हैं। तो इस ब्रीड के बारे में, कहीं रच के खाता है उतना है नहीं, तो मतलब इन सब मामलों में दी बेस्ट है। उसको रखना बहुत आसान है, उतना हैकी पैकी नहीं है ज़्यादा, मतलब उतना फूडी भी, मतलब नॉर्मल फूड स्टार्टिंग में अगर ग्रोथ मेंटेन रखना, सेम आपने देखो ऐसा बच्चा मैं दिया था मैंने आसाम में, तो वो आप सेम ग्रोथ मेंटेन रखना चाहते हो तो एक अच्छा जो उसको फूड, डॉग फूड दे सकते हो। जब ये ग्रोथ अपना गेन कर लेगा उसके बाद कहते हैं दोस्तों आपको, आप घर के खाना रख सकते हो, घर के खाने भी आराम से सर्वाइव कर लेता है ये, और ओवरऑल बेस्ट एंड परफेक्ट डॉग ब्रीड। और बच्चा कैसा है वो आप खुद बताओ, मैंने कहता है इसके बारे में कि पप्पी कैसा है, क्यों भाई। सो अवेलेबल पप्पी हमारे, और बताओ आपको मैं छोटे छोटे बच्चे और भी जो बच्चे हमारे तैयार हो रहे फ्यूचर के वो आप दिखाता हूँ, वेट कीजिए। एंड फ्रेंड, ये देख सकते हैं मदर, वही प्यारे प्यारे बच्चे। सो मदर बहुत ही प्यारी है, मिल्की वाइट है, प्योर, बहुत सुंदर है, लिप्स, हेड, पूरा बॉडी प्रोफाइल बहुत बढ़िया ले रखी है। ओवरऑल ये देखिए बच्चे प्यूटी प्यूटी इनके दूध कैसे पी रहा है। सो ये फ्यूचर है हमारे दोस्तों, एंड ये भी बच्चे बहुत प्यारे अच्छे तैयार होंगे, होप फॉर द बेस्ट, लगे पड़े।